आज की कहानी एक गरीब लड़का या की सच्ची प्रेम कहानी थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि ज़्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों कभी आपने ये सोचा? अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग अमीर होते हैं वह लोग सिर्फ आपको अपने पैसे से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आ बजा तो सिर्फ आपने मजे के लिए ही बस मासूम गरीब लड़का से प्यार करता है और उसका मजाक उड़ता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सच्चा प्यार की होता है और सच्चा प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, तो तब सही बहुत देर हो जाता है। अपने सही सोचा या ये बात गरीब लड़का करने की प्रेम कहानी है, करण की प्रेम कहानी गरीब लड़का की सच्ची प्रेम कहानी है, जो आपने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण की सच्चा प्यार काजल को करने की जिंदगी में बपास ला सकता है? तो चलिए जानते हैं रियल लव स्टोरी, लव इन हिंदी हार्ट टचिंग लव स्टोरी, एक गरीब की कहानी, सच्ची प्रेम कहानी, एक गरीब की सच्ची प्रेम कहानी। दो लड़का का नाम विष्णु और एक का नाम करण, ये दोनों में ही नहीं एक ही लड़की काजल से प्यार करता था और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकता, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। इसीलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी कर पाएगा उसी से शादी करेगा। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और बहुत एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगा, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उसे पास गरीबी के सिवाय और कुछ भी ना था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया, कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। करण जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा तुम्हारे पास कब गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु एक अमीर घर की लड़का है और विष्णु बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, काजल मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा पैसे के बिना प्यार खिचड़ी खिड़की से उड़ जाता, करण मुझे समझने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। करण कहा जब तुम्हें फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो,
आज मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी पास तुम है।